गाइज अगर आप अभी के टाइम में स्मार्टफोन लेते हो, काफी बढ़िया बढ़िया फोन आप कम प्राइस में ले सकते हो, वो भी 250 फीचर के साथ। तो गाइज वैसे तो आपको पता है कि इन दिनों फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है, तो ये अच्छा टाइम हो सकता है स्मार्टफोन लेने का। तो गाइज इस टाइम अगर आप स्मार्टफोन लेते हो, 21,000 का फोन मात्र आप 14,000 से 15,000 रुपया में ले सकते हो बैंक ऑफर लगा करके। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि आप 14,000 से 15,000 के अंडर में ले सकते हो, जिसमें आपको काफी हाइलाइट्स फीचर दिया जाएगा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा और गेमिंग प्रोसेसर भी रहेगा, साथ ही सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी दी जाएगी। तो गाइज आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे Realme की तरफ से आने वाले Realme 9 Pro 5G के बारे में। भाई ये फोन आपको 20,000 से 21,000 के प्राइस में आता है, बट अगर आप अभी के टाइम में लेते हो तो ये फोन आपको सिर्फ 14,749 रुपया में ले सकते हो, वो भी बैंक ऑफर लगा करके। तो गाइज ये फोन का कैमरा क्वालिटी और प्रोसेसर भी काफी बढ़िया है। तो चलिए हम पूरा डिटेल में इस स्मार्टफोन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसके लुक और डिजाइन को आपको दिखाएं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसका जो बैक बॉडी है प्लास्टिक का है, एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। और हाँ गाइज ये फोन का 8.5 mm का थिकनेस, 195 ग्राम का वेट है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप 2 SIM एक माइक्रो SD कार्ड अलग से यूज कर सकते हो। इसके अलावा इस फोन के हम डिस्प्ले की बात करेंगे तो 6.6 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन की एक IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आई है, और ये डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले है। तो गाइस डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी बढ़िया है, जिसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। तो नो डाउट दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसके कैमरा की बात करेंगे तो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि 64 MP का प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा, 2 MP का माइक्रो कैमरा दिया गया है। और गाइस सेल्फी के लिए इसमें आपको 13 MP का फ्रंट कैमरा यूज किया गया है। गाइस के बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा से आप फुल HD 30 FPS वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आपको कैमरा क्वालिटी भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आप काफी बेटर क्वालिटी की फोटो भी क्लिक कर सकते हो। वहीं पर इस फोन में पावर बैकअप के लिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी दी गई है। चार्जिंग के लिए USB Type-C केबल है। अगर हम इस फोन के परफॉर्मेंस की बात करेंगे, यानी कि प्रोसेसर की, तो गाइस ये स्मार्टफोन में यूज किया गया है क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट, जो कि एक 5G चिपसेट है। 8nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। अंतुतु स्कोर 4.25 लाख के आसपास है। तो देखा जाए तो दोस्तों प्रोसेसर भी यहाँ पे आपको काफी दमदार पावरफुल देखने को मिलता है, जिसमें आप गेमिंग वगैरह भी काफी बढ़िया से कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों देखने को मिलेगा, और 3.5 mm का हेडफोन जैक भी है। LPDDR4X का रैम है। गाइस अगर हम इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करते हैं, तो यह स्मार्टफोन आपको 6 GB की रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज की ओरिजिनल प्राइस 16,999 रुपया है, बट अगर आप बैंक ऑफर लगाते हो तो यह फोन आपको सिर्फ 14,749 रुपया में मिल जाएगा। हम बात करते हैं लिस्ट के दूसरे नंबर स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि इन्फिनिक्स तरफ से है, इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो। भाई अगर आपको बड़ा रैम स्टोरेज वाला फोन चाहिए तो यह फोन आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको 8 GB की रैम और 256 GB का स्टोरेज दिया गया है। तो चलिए हम पूरा डिटेल में स्मार्टफोन्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसके डिस्प्ले की बात करेंगे तो 6.7 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। नॉर्मल 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। 1000 nits की ब्राइटनेस है। कोरिंग ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, और यह डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। तो नो डाउट दोस्तों डिस्प्ले से भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस हम इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो लुक और डिजाइन में भी काफी बढ़िया है। बैक बॉडी प्लास्टिक का है, एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है। और हाँ गाइस ये फोन का 7.8 mm का थिकनेस, 192 ग्राम का वेट है। भाई इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप 2 SIM एक माइक्रो SD कार्ड अलग से यूज कर सकते हो। इसके अलावा इस फोन के हम कैमरा की बात करेंगे, जिसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो कि 108 MP का प्राइमरी कैमरा है, 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा। भाई सेल्फी के लिए इसमें आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा यूज किया गया है। इसके बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा से आप फुल HD 30 FPS वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गाइस कैमरा क्वालिटी इस फोन का काफी बढ़िया है, जिसकी हेल्प से आप काफी बेटर
बेहतर क्वालिटी की फोटो और वीडियो क्लिक कर पाओगे। वहीं पर इस फोन में पावर बैकअप के लिए 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी दी गई है। चार्जिंग के लिए USB टाइप सी केबल है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे यानी कि प्रोसेसर की, तो ये फोन में अभी का लेटेस्ट प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि MediaTek की तरफ से है, MediaTek Helio G99 का चिपसेट। अंततः स्कोर 358000 के आसपास है। तो गाइस प्रोसेसर भी यहाँ पे आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगा, जिसमें आप मल्टीटास्क और गेमिंग वगैरह भी काफी बढ़िया से कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों है और 3.5 mm का हेडफोन जैक है। LPDDR4X का रैम है। बात करें इस स्मार्टफोन की अब प्राइस की, तो गाइस ये स्मार्टफोन आपको 8GB रैम और 256GB स्टोरेज की ओरिजिनल प्राइस 14,999 रुपया है, बट इसे आप बैंक ऑफर लगा करके सिर्फ 12,749 रुपया में ले सकते हो। हम बात करते हैं लिस्ट के तीसरे नंबर स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि रेडमी की तरफ से है, रेडमी नोट 11S। भाई ये स्मार्टफोन भी अभी का लेटेस्ट फोन है जो कि ऑलराउंडर फोन है, जिसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है और गेमिंग प्रोसेसर भी है, साथ ही डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। तो चलिए हम पूरा डिटेल में स्मार्टफोन्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसके हाइलाइट्स फीचर की बात करें, इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि 108 MP का प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा, 2 MP माइक्रो, जबकि 2 MP का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए 16 MP का फ्रंट कैमरा यूज किया गया है। इसके बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा से आप फुल HD 30 FPS वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो गाइज नो डाउट आपको यहाँ पे कैमरा क्वालिटी काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। वहीं पर इस फोन में पावर बैकअप के लिए 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, USB टाइप सी केबल है। इसके अलावा इस फोन की हम डिस्प्ले की बात करते हैं, तो 6.43 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 90Hz का रिफ्रेश रेट है। कोरिंग ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। ये डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले है। तो गाइस डिस्प्ले क्वालिटी भी यहाँ पे आपको काफी जबरदस्त की देखने को मिलेगी। गाइस अगर इसके कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो लुक और डिजाइन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जो कि काफी बढ़िया देखने को मिलता है और बैक बॉडी प्लास्टिक का है, एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है। और हाँ दोस्तों, ये फोन का 8mm का थिकनेस, 179 ग्राम का वेट है। ट्रिपल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप 2 SIM एक माइक्रो एसडी कार्ड अलग से यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों देखने को मिलेगा। 3.5 mm का हेडफोन जैक है। LPDDR4X का रैम है। तो गाइस इसके अलावा इस फोन के हम प्रोसेसर की बात करेंगे, तो भाई इसमें आपको एक गेमिंग प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि MediaTek की तरफ से है, MediaTek Helio G96 का चिपसेट 12nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। काफी दमदार पावरफुल प्रोसेसर है, जिसमें आप मल्टीटास्क आराम से कर सकते हो, गेमिंग तो आप काफी बढ़िया कर पाओगे। तो भाई अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस की। यह स्मार्टफोन आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए 14,499 रुपया देना होगा। तो गाइस ये रहे आज के टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।